नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजीव है और आप देख रहे हो फिल्मी ओपिनियन। तो अब हम आपके लिए रिव्यू करेंगे शाहरुख खान की आने वाली फिल्म डंकी की नई सॉन्ग का, जो आज रिलीज हो चुका है, जिसको ड्रॉप 2 कहा जा रहा है। मतलब डंकी का दूसरा कोई ऐसा चीज जो आपके सामने उभर के आया है, और जिस गाने का नाम दिया गया है लुटपुट गया। तो कैसा लगा मुझे ये गाना, डिटेल्स में बात करेंगे इस वीडियो के अंदर। में रिक्वेस्ट एक ही है, वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देखिएगा। कुछ भी अगर पसंद आता है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, पहला चीज तो ये है कि शाहरुख खान का उम्र जो है 20 साल कम लग रहा है। अब ये मतलब मेकअप है, मेकओवर है, या फिर एआई टेक्नोलॉजी है, कुछ भी कहो, लेकिन उनका उम्र डेफिनेटली कम लग रहा है। और इस बार वो इतने मतलब आप तापसी पन्नू के साथ इतना वो मैच कर रहे, इतना वो सही जा रहे, कि सच में इन दोनों का पेयरिंग ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे फिल्म ये कर चुके हैं। बेसिकली यही एक्चुअली शाहरुख खान की मतलब आप बोल सकते हो कि उनकी जो सबसे पॉजिटिव पार्ट ये होता है कि वो कोई भी किरदार में, कोई भी चीज में वो खुद को ढल लेते हैं। पर इस बार जो है, जो रोमांटिक कॉमेडी, बेसिकली आप सोशल सैटायर भी बोल सकते हो, तो वो राजकुमार हिरानी का जो उसका जौर है, तो उसके अंदर में वो खुद को ढाल लिया है। अब दोस्तों, अगर पॉजिटिव साइड की बात करो तो मुझे जो सबसे बढ़िया लगा है कि देखिए, इसमें जो एडिटिंग स्टाइल है, जहां पे दिखाया जा रहा है कि शाहरुख खान जो है वो अपने धुन पे जो है मस्त मगन होके वो नाच रहे, और साथ में जो है तापसी पन्नू के साथ जब जब उसका जो है मतलब सामने दोनों आपस में आ रहे, तो नाचते हुए वो उस सीन को देख रहे हैं। अब देखिएगा, बहुत जगह आपको दो दो शाहरुख खान दिखेंगे, तो एक एडिटिंग स्टाइल होता है, तो वो काफी बढ़िया लगे इसके अंदर में। दूसरा चीज कहूंगा कि देखिए, ये जो पूरा शूट किया गया एक शहर के अंदर में, हर घर के छत के ऊपर, ऐसा चीजें जो है उसको मतलब उसी जगह पे शूट किया गया। लेकिन देखने वाली बात यह है कि ऐसा ऐसा घर, ऐसा ऐसा मोहल्ला चूज किया गया जहां पे घर के ऊपर, छत के ऊपर तो अजीब अजीब चीजें जो है बनाई हुई है। मैं क्यों रिलेट कर पा रहा हूं, क्योंकि ये कोलकाता में भी ऐसे बहुत सारी घर है जिसके ऊपर फुटबॉल बना हुआ है, जिसके ऊपर एरोप्लेन बना हुआ है, तो ऐसा ही सेम चीज यहाँ पे, ऐसा कुछ मकाने जो है उसको ढूंढा गया और उसके ऊपर इसको शूट किया गया। लास्ट सीन जो देखिएगा, एकदम कहानी मतलब गाने के अंत में दिखाया जा रहा है कि वो एक एरोप्लेन के ऊपर, एरोप्लेन का जो मिनिएचर है उसके ऊपर खड़ा होकर गा रहा है। तो बेसिकली ये डंकी जो मूवी है, जो मतलब इलीगल इमिग्रेंट्स, तो उसको भी सिंबलाइज करता है, तो वो भी बहुत सोच समझ के उसको किया गया है। और एक जो देखने वाली बात है, देखिएगा सारे जितने भी साइड डांसर, जितने भी डांस कर रहे, जितने भी और किरदार है, हर कोई कोई ना कोई एक देश का फ्लैग अपना टी शर्ट जो है उसका पहन के वो नाच रहा है। तो इसका जो है मतलब ये भी सिग्निफिकेंट है, इस कारण से कि ये जो फिल्म है, ये फिल्म बेसिकली उन नौजवानों को मैसेज देने के लिए है जो हर वक्त सोचते हैं कि बेसिकली मेरा देश से बाहर जो है वो और भी बढ़िया है, मेरा राज्य जो है उससे दूसरा राज्य और बढ़िया है, ये देश से दूसरा देश और भी बढ़िया है। उन लोगों का सोच होता है कि बाहर सब कुछ अच्छा है, यहाँ पे सब कुछ खराब है, तो मुझे बाहर जाना है, किसी भी हद तक कोई भी कुछ भी करके मुझे बाहर जाना है। तो वो ये चीजें जो है ना, ये गाने के अंदर में उसको भी सिंबलाइज किया गया। मतलब ये गाना आपको जब भी फिल्म के अंदर में आएगा, ये कभी भी आपको ऐसा डिटैच्ड वाला नहीं लगेगा। ये गाना पूरा आपका टोटल जो गाना है, वो गाना आपको लगेगा ये फिल्म का जो मोटिव है, फिल्म का जो मतलब जिस तरीके से फिल्म जो है वो आगे बढ़ेगी, इसकी कहानी जिस तरीके से आगे प्रोग्रेस होगी, उसके साथ मैच करके इस गाने को जो है शूट किया गया। और गाना वैसे काफी मजाकी है, आप बोल सकते हो एक फन सॉन्ग बोल सकते हो, लव सॉन्ग बोल सकते हो, तो ये मजेदार जिस टाइप का नॉर्मली राजकुमार हिरानी का ट्रीटमेंट होता है, उस हिसाब का गाना है ना। मैं इसको कहूंगा कि लिरिकली बहुत बढ़िया है या ये बहुत यार है, नहीं, उनके गाना देखने के बाद में आपको जो है मजा आता है, वो फीलिंग जो है यहाँ पे भी आ रहा है। तो यही था बेसिकली मेरा असेसमेंट ऑफ द सॉन्ग कॉल लुटपुट गया। तो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में आके बता सकते हो। कुछ भी अगर इस वीडियो से अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ मेरा अगला कोई वीडियो में, तब तक के लिए अलविदा।